கங்கை பாயும் வழியில் உள்ள வாரணாசியில் கழிவுகளை நதியில் கலப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை சட்டம் பிறப்பித்துள்ளது. 144 CRPC के तहत कुछ निषेधाज्ञा पारित की गई है, जिसके अंतर्गत गंगा नदी में डिटर्जेंट का प्रयोग करना जो है रिस्ट्रिक्टेड किया गया है. इसके अलावा जानवरों को नहलाना धुलाना, उनके गोबर इत्यादि को नदी में डालना, इसको प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही पॉलिथीन, थर्मोकोल आदि जैसे कूड़ा करकट भी नदी में डालने से प्रतिबंधित किया गया है. और जो नाले, सीवर इत्यादि सीधे नदी में डाले जा रहे हैं जिससे नदी प्रदूषित हो रही है, इसको भी प्रतिबंधित किया गया है. और इन निषेधाज्ञाओं का जो उल्लंघन करेगा उसको 188 IPC के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. இருப்பினும் இதுபோன்ற சட்டங்களால் நதி மாசுபடுவதை முழுமையாக தடுக்க முடியுமா என்று கங்கையை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான அமைப்புகள் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளன. இஸ்கா பாலன் கடாய் ढंग से हो जाए वही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ आज भी कुछ बहुत से शिविर हैं जो कि गंगा में बह रहे हैं. हाँ, लोग साबुन न लगा के नहाए या गंगा में अपने पशुओं को न स्नान करावें या मलमूत्र इत्यादि त्याग न करें. बस इसी पे धारा 144 लगाने भर से नहीं हो जाएगा. जो पुराने कम से कम एक दर्जन शिविर जो गंगा में आज भी बह रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर पहला कदम उठाना चाहिए सरकार को कि उनको बंद करके उनको कहीं और अन्यत्र गिरना चाहिए. கங்கை நதியை தூய்மைப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் ஒருபுறம் திட்டமிடப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும் அவை வெறும் காகிதங்களாக மட்டுமே நீடித்து வருகின்றன. இன்னொரு புறம் நதியில் மேலும் மாசு சேர்வதை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளும் துவக்கப்பட்டுள்ளன. நதியின் ஒரு பகுதியில் மட்டும் மேற்கொள்ளப்படும் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் பயன் தருமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.